अबे चावल यहाँ पर फुल अनलिमिटेड है, चावल ग्रेवी जितना आप ले सकते हो। ये अपना लटपट ग्रेवी ले लिए हैं, तो ये अपना चिकन का ग्रेवी जो है सान लेते हैं, उसमें सूखा निकालते हैं, कुछ शराब और अपने आता है तो उसके लिए ना भैया, चखना के रूप में है ना। अच्छा दोनों का अलग अलग है। अच्छा अच्छा, मतलब आप चिकन को खिला देते हैं, मटन आपको वो खिला देते हैं। हम लोग लालपुर से आए हुए हैं, लालपुर से आए हुए हैं, लालपुर से लगभग 15-20 किलोमीटर हो गए यहाँ पे। हम लोग सुबह सुबह आए हुए हैं सूरज होटल में, और यहाँ पे बन रहा है चखना। बस कलेजी और गोड़ी, चर्बी भी डालते हैं क्या मुर्गा का है? अच्छा कलेजी और गोड़ी का चखना यहाँ पे बन रहा है, और उसमें डाल दिए अपना मसाला वगैरह, जो देहाती मसाला रहता है वो गोलकी है, गोलकी आ गया ना, फूटा हुआ गोलकी आ गया यहाँ पे। तो ये अपना बन रहा है भाई चखना। चखना जो है झारखंड में बहुत फेमस है, ये जो आप जैसे देख रहे हैं, देखिए जो गोड़ी है चिकन का वो कलेजी वगैरह रहता है, ये जीरा पाउडर, जीरा पाउडर बहुत बढ़िया। ये आ गया दोस्तों अपना जीरा पाउडर, ये आ गया दोस्तों अपना हल्दी, बहुत बढ़िया। ये आ गया मिक्स मसाला, अरे वाह, 10 मिनट में रेडी हो जाएगा कलेजी, पूरा पक जाएगा। ये आ गया अपना धनिया का पत्ता, चखना हो गया ना भैया, रेडी पूरा, पूरा रेडी हो गया चखना, अरे बहुत बढ़िया। तो भाई यहाँ पे देखिए कुछ लोग एंजॉय कर रहे हैं अपने फूड को। भैया कैसा लग रहा है खाना, क्या क्या खा रहे हैं आप लोग, आपको कैसा लग रहा है जी? आप बड़ा शांत है, है? यहाँ पे देखिए लोग अपना चिकन चावल एंजॉय कर रहे हैं, और जो चावल होता है अनलिमिटेड चावल होता है ना भैया। भाई साहब आपको हम जिस जगह पे लेकर के आए हुए हैं, ये है पूरा एकदम नेचर के बीच में होटल है भाई, बहुत बड़ा होटल है, मतलब बड़ा इन द सेंस क्या, बहुत स्पेशियस होटल है, और अगल बगल आपको एकदम मस्त शानदार पेड़ पौधा झरना सब चीज दिखेगा, ठीक है। रिंग रोड में हम लोग आए हुए हैं, रिंग रोड में संग्रामपुर इसको बोलते हैं, और संग्रामपुर का एक होटल का हम लोग वीडियो बनाए थे जो कि झोपड़ी होटल के नाम से बहुत प्रसिद्ध हुआ था, वैसे ही सेकंड होटल में हम लोग आए हैं। ये झोपड़ी होटल तो नहीं है, लेकिन इतना याद रखिएगा यहाँ पे भी अनलिमिटेड खाना मिलता है भैया। अनलिमिटेड क्या मिलता है, क्या क्या बनाते हैं और किस तरीके से बनाते हैं, सब कुछ आपको दिखाएंगे, वीडियो में बने रहिएगा। इस बार तो मजा हम आपको पक्का दिला के रहेंगे, आइए अंदर चलते हैं। तो भाई जब आप यहाँ पे आएंगे तो आपको लोग दिखेंगे ब्रश वगैरह करते हुए, तो यहाँ पे बस नल लगा हुआ है, लोग ब्रश करते हैं। और सुबह सुबह का नाश्ता जो होता है यहाँ पे चिकन चावल होता है, नाश्ता जो होता है मटन चावल होता है, मटन मैं देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 130 रुपये में। शुद्ध खसी जो मटन होता है वो लिमिटेड रहता है, लेकिन चावल रहता है वो अनलिमिटेड होता है। और मुर्गा भात एक प्लेट 60 रुपया, यहाँ पे एकदम बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है। तो भाई अपना चिकन बनाने का प्रोसेस जो है चालू हो चुका है, सबसे पहले देखिए अपना कोयला आ गया है, अब इसको जलाते हैं, उसका फिर अभी दिखाते हैं आपको क्या क्या हो रहा है। यहाँ पे देखिए अपने किचन में प्याज कटिंग हो रहा है, और प्याज जो कटिंग, कितना किलो प्याज कट रहा है प्याज? 5 से 7 kg अभी, मतलब एक बार जो लॉट बनता है उसमें 7 किलो प्याज आता है ना? 5 kg, 5 किलो प्याज आता है, एक ही अपना प्याज कट रहा है, बड़ा रफ्तार से भैया काट रहे हैं, एकदम मन लगा के प्याज काट रहे हैं आप तो। मन लगना चाहिए। तो अपना चिकन का प्रोसेस चालू हो गया, बहुत बढ़िया। तो आ गया इसमें सरसों तेल है, ये आ गया दोस्तों अपना सरसों तेल, जो कि सलोनी का होता है, बेस्ट ब्रांड है सलोनी यहाँ का, झारखंड का ना। हाँ तो ये अपना फोरन आ रहा है ना, ये देखिए दोस्तों अपना आ गया जीरा, ये आ गया लाल मिर्च, अरे वाह, ये आ गया अपना प्याज, 5 kg प्याज है ना भैया, तेज पत्ता, अरे वाह, ये आ गया दोस्तों अपना तेज पत्ता, फोरन जो होता है एकदम जबरदस्त डाल रहे हैं तभी स्वाद आ रहा है ना। ये आ गया अपना प्याज, तो सरसों के तेल का जो झांस होता है वो आना शुरू हो गया है प्याज का, और जो अपना फोरन में डाले थे उसका सुगंध, सुगंध आपको भी आता होगा भैया, असली मजा तो आप ही ले रहे हैं। हम लोग तो कभी कभी आते हैं यहाँ पे, भैया लोग रेगुलर मजा ले रहे हैं भाई, एकदम स्वादिष्ट चिकन का, स्वादिष्ट मटन का। तो यहाँ पे देखिए अपना जो अनलिमिटेड चावल होता है उसको धोया जा रहा है, और ऐसा नहीं है कि आपको अनलिमिटेड खिला रहे हैं तो कुछ भी खिला देंगे, बिना धोए खिला देंगे, साफ सुथरा नहीं रहेगा। देखिए साफ सफाई का भी प्रॉपर ध्यान दिया गया है, और यहाँ पे देखिए क्लीन एकदम एनवायरनमेंट जो है पूरा क्लीन है। किसका भैया? हाँ तुम भी बनाती है, तुमने बनाती है, आपकी बेटी है। अच्छा अच्छा, क्या बता रहे थे बताइए, एक शादी का खाना बनता है एक दिन में? अरे वाह, मतलब शादी में जितना खाना बनता है उतना ही खाना यहाँ पे एक दिन में बनता है। तो भाई साहब अपना प्याज देखिए पूरा लाल हो चुका है, और लाल होने के बाद प्याज में डालने का बारी आ गया चिकन का। कितना के जी चिकन होगा भैया ये? तो 20 kg, 20 kg में सभी कितना डालेंगे इसमें? डालेंगे 6 से 7 kg चिकन अभी डालेंगे। ये देखिए हम एक चीज़ आपको बता दें कि एक लॉट जो चिकन है वो बन के रेडी हो चुका है, बिक रहा है, और ये अपना सेकंड लॉट बन रहा है ना। चलिए तो आते हैं भाई अपना आ गया यहाँ पे सेकंड लॉट चिकन। हाँ
तो कलेजी वगैरह अलग से बनाते हैं, कलेजी वगैरह इसमें डालते हैं ना? नहीं, इसमें कलेजी वगैरह आपको नहीं मिलेगा। चिकन का पीस होता है, देखिए लेग पीस वगैरह हो गया, थाई वाला पीस हो गया, डायना वाना मिल जाएगा आपको, लेकिन जो कलेजी होता है उसको चखने के रूप में अलग से बनाते हैं ना। तो अब आ गया इसमें नमक है ना, तो ये आ गया अपना टमाटर। तो अपने चिकन को अब चलाया जा रहा है अच्छे से, देखिए चिकन में टमाटर का डाल दिया गया है, अब इसको चलाएंगे और फिर थोड़ा सा टमाटर गल जाएगा उसमें मसाला डालेंगे ना जी। तो भाई यहाँ पे देखिए अपना चिकन जो है वो भुंजा चुका है, पूरा लाल हो गया है चिकन, अभी इसमें मसाला नहीं डाले हैं, इसमें तो कोई मसाला नहीं डाले अभी जी, फिर भी पूरा लाल कर दिया भूज भूज के इसको है। ये देखिए अभी आ गया इसमें हरा मिर्च, ये आ गया लहसुन, ये अपना आ गया पिसा हुआ लहसुन, ये आ गया अदरक, अदरक का पेस्ट, जो मेन बेसिक मसाला होता है ये अदरक लहसुन और मिर्चा का ही होता है ना। अब देखिए अपने मसालों को अच्छे से भुना जाएगा, जैसे इस चिकन को प्याज के साथ भूंज भूंज के लाल कर दिया गया है वैसे अब इसको मसाले के साथ भूंजेंगे और थोड़ा सा और लाल करेंगे है ना। चलिए बहुत बढ़िया, कोई कलर वगैरह नहीं डालते हैं आप लोग? अरे वाह, एकदम रॉ मटन, रॉ चिकन यहाँ पे बनाया जाता है। मटन देखिए उधर बन के रखा चुका है, यहाँ पे अपना चिकन बन रहा है, आइए देखते हैं इसमें कौन सा मसाला ऐड करते हैं। ये कौन सा मसाला आ रहा है? जीरा। ये देखिए अपना आ गया दोस्तों जीरा, जीरा का सुगंध तो बड़ा अच्छा आ रहा है जी। तो ये आ गया दोस्तों अपना गोलकी, सारा मिक्सी में पीसा हुआ रहता है। तो ये आ गया दोस्तों अपना हल्दी, किचन किंग। चलिए जी, तो ये आ गया अपना किचन किंग, ये आ गया मिक्स मसाला। आपने मसालों को अच्छे से मिक्स किया जाएगा, लगभग तो अब रेडी हो गया, इसमें कोई मसाला डालाएगा आपको मसाला नहीं आएगा ना इसमें। तो अपना चिकन देखिए दोस्तों, जो मसाला वसाला डालना था वो हो गया लगभग, और ये 5 से 10 मिनट में अपना चिकन रेडी हो जाएगा ना जी। हाँ, चिकन है वो लगभग बन चुका है, अब सारा मसाला डाल दिए हम लोग, और जो भी एक दो मसाला बचा है वो भी आपको दिखा देंगे। लेकिन आपको एक चीज़ हम बता दें, यहाँ पर जब आप आइएगा ना तो आपको बहुत सुकून मिलेगा। क्यों सुकून मिलेगा? क्योंकि पीछे में तो जो आप जगह देख रहे हैं वो देख ही रहे हैं, पीछे में जो जगह है वो पूरा एकदम ओपन एरिया है, वो तो है ही, लेकिन भाई अंदर में जब आप आइएगा तो अंदर में भी आपको बहुत ही अच्छा खूबसूरत सा जगह मिलेगा जहाँ पे आप बैठ करके एंजॉय कर सकते हैं। आपको और जो भी चीज़ बन रहा है आप अपने आँख के सामने देखिए बनते हुए, तो ये एक अलग ही सुकून होता है जब आप देखते हैं अपने आँख के सामने कि क्या बन रहा है, क्या कट रहा है। जैसे बहुत सारे लोग क्या होता है ना, जब सस्ता चिकन मिलता है ना तो बोलते हैं कि मरा हुआ चिकन है ये वो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सामने में चिकन कटिंग होगा, उसका काट करके यहाँ पे बनाया जाएगा। तो आपको हम पूरा प्रोसेस दिखा दिए हैं, अब चलिए टेस्ट करते हैं और आपको टेस्ट बताते हैं। तो भाई साहब यहाँ पे हैं हमारे ओनर साहब, क्या नाम हुआ भाई आपका? सूरज। अच्छा, तो ये होटल कब से खोल रहे हैं आप? 6 महीने हो रहा है। 6 महीना हो रहा है, 6 महीने में इतना ऊपर तक पहुंच गए हैं। कितना केजी चिकन बना रहे हैं अभी? चिकन अभी 50 केजी बना रहे हैं। 50 किलो चिकन बना रहे हैं 6 महीना में? बहुत तरक्की की है भैया, मतलब टेस्ट अच्छा दे रहे हैं आप। अच्छा है। क्या रेट रहता है? 60 रुपया में चिकन चावल, अनलिमिटेड। अनलिमिटेड, जितना उतना खा सकते हैं, कोई नहीं रोकेगा? नहीं, पक्का? पक्का। चलिए, तो अपने सब्सक्राइबर्स भाई साहब आप लोग याद रखिएगा, 60 रुपए में अनलिमिटेड है यहाँ पे चिकन और चावल, आइए खाइए। रोटी भी मिलता है। अच्छा, रोटी वगैरह भी रखते हैं? मटन चावल। मटन चावल का क्या रेट है? 130 एक प्लेट मटन, उसमें कोई अनलिमिटेड वाला सीन नहीं? अनलिमिटेड वाला सीन नहीं है मटन में। अच्छा, मटन चावल आप लोग लिमिटेड देते हैं 130 रुपए में ना। चलिए टाइमिंग बता दीजिएगा एक बार। टाइमिंग सुबह वो है 8:30, 8:30 बजे शुरू हो जाता है, और रात को कितने बजे तक? शाम को है 5:30-6 बजे तक। 6 बजे तक रहता है, मतलब 8:30 से लेकर के शाम में 6 बजे तक। चलिए ठीक है भैया, थैंक यू। ये लास्ट मसाला अपना चिकन मसाला, ये कश्मीरी मिर्च आ गया। अच्छा, थोड़ा सा कलर किया गया भाई अपना कश्मीरी मिर्च, झोर वगैरह तो जितना उतना मिल जाएगा। तो भाई आपको हम दिखा देंगे किचन में, हम लोग देखिए किचन में चावल जो है खत्म हो गया है, जैसे ये बता रहे थे कि शादी में जितना खाना बनता है उतना ही खाना यहाँ पे बनता है। देखिए ये अपना है सूखा हुआ चिकन, और यहाँ पे देखिए भाई अपना आ गया मटन। तो ये मटन का क्वांटिटी आप चेक करिए, मटन जो है लगभग 15 केजी मटन ये लोग बनाते हैं, और मटन जो है ज़बरदस्त मटन का सुगंध आ रहा है, और ऊपर से आपको रोगन हम दिखा दें, थोड़ा रोगन दिखाइएगा भैया। ये देखिए ये अपना हो गया मसाला, और ये हो गया अपना रोगन। ये देखिए ये नली वाला पीस हो गया ना। हाँ, और दिखाइए भैया कौन कौन सा पीस रखे हैं? बहुत सारा पीस है यहाँ पे। अच्छा, जैसे कि हड्डी वाला पीस देखिए, ये सब है। ये देखिए भाई अपना पीस दिखा रहे हैं, पीस का साइज चेक करिए, साइज जो है बहुत ही बढ़िया साइज के साथ इसको बनाया जाता है। तो भाई साहब अपना खाना आ चुका है, देखिए हम लोग मस्त एकदम खटिया पे बैठ गए हैं, खटिया पे बैठे हैं भाई, तो एकदम देहाती वाला फीलिंग आ रहा है, गाँव वाला फीलिंग आ रहा है। और अपना खाना देखिए क्या क्या मिला है, नज़दीक आइएगा सर। ये देखिए ये हम लोग लिए हैं मटन, मटन तो भाई अपना जो होता है ना, ये हो गया लाइफ का एक पार्ट हो गया है।
और ये देखिए आप लोगों को दिखाने के लिए चखना। चखना जो होता है ये होता है मुर्गा का जो गोड़ी होता है ना उसका, और ये देखिए कलेजी, कलेजी देख रहे हैं, हाँ हाँ कलेजी पोट सब मिक्स होता है, पोट भी रहता है इसमें। हमारे भैया आए हैं धीरू ब्लॉगर, तो ये बता रहे हैं कि इसमें कलेजी और पोट भी मिक्स रहता है। इसको खा ही लेते हैं, बड़े मुँह में पानी आ रहा है भाई। हाँ हाँ साथ में देखिए यहाँ ये भुना हुआ चिकन देख रहे हैं, ओए हो ग्रेवी एकदम लटपट ग्रेवी के साथ आपको मिलेगा, एकदम मस्त प्याज का ग्रेवी और अदरक लहसुन मिर्चा का ग्रेवी, ये हो गया अपना चिकन। पाइए फटाफट इसको अलग करते हैं और आप लोगों को खा के टेस्ट बताते हैं भाई। थोड़ा मोटा वाला चावल होता है जो कि अनलिमिटेड होता है, चावल आप जितना मन उतना ले सकते हैं, जितना मन उतना ग्रेवी ले सकते हैं, कोई मना नहीं करेगा आपको। सबसे पहले किसी शुरू करेंगे हम लोग लटपट ग्रेवी चिकन वाला। ये अपना लटपट ग्रेवी ले लिए हैं चिकन का थोड़ा सा, और इसको लेते हैं चावल पे। ये देखिए तो ये अपना चिकन का ग्रेवी जो है सान लेते हैं, थोड़ा सा चिकन का पीस, चिकन देखिए एकदम मस्त घुल गया है। ये तो चिकन ही है भाई, तो घुलना तो लाजमी है। आइए लेते हैं इसका पहला बाइट। भाई साहब जब चिकन खाइएगा ना आप, तुम चिकन के रंग में रंग जाइएगा, क्योंकि इतना टेस्टी लग रहा है। और हम तो आपको रिकमेंड करेंगे कि आइएगा तो ग्रेवी वाला नहीं, बोल दीजिएगा इनको तो लटपट चिकन निकालने के लिए, लटपट आपको मिल जाएगा। देखिए ये वाह क्या चिकन बनाया है, मसाला का परफेक्ट फ्लेवर, तीखा चिकन एकदम जैसे हम लोग चखना में खाते हैं ना वैसा। देखिए हम चखना में खा रहे हैं, बोल रही मैं सोचिए कि हम ये भी करते हैं, ये सब नहीं होता है। लोग एकदम शुद्ध शुद्ध लड़का है, शुद्ध जो होता है ना वो है। देखिए चिकन का पीस साइज देखिए 75 रुपये में, छः पीस रहता है ना 75 में। ये अपना देखिए अलग हो गया, ओए होए हड्डी वड्डी जो है एकदम 60 रुपये में। मुर्गा भात आपको मिल रहा है 3-4 पीस मुर्गा, और चावल चावल होता है अनलिमिटेड होता है। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद, इसको भी देखिएगा ठीक रहता है ना वीडियो। थैंक यू थैंक यू। कोशिश रहता है दिखाने का। आइए मटन टेस्ट करते हैं। देखिए मटन है, ये देखिए अपना मटन का ग्रेवी विथ प्रॉपर रोगन, आहा साथ में देखिए अपना पीस भी हम लोग। ये मटन का पीस हो गया, मटन का जो रेट है डिस्क्रिप्शन में हम मेंशन कर देंगे। 130 रुपये में मटन भात खिलाते हैं, जिसमें 2 पीस मटन, सबसे पहले मटन की ग्रेवी के साथ खाते हैं। जैसा मटन हम लोग दरादरी चौक पे खाते हैं बिल्कुल सेम टेस्ट। तो अगर आप संग्रामपुर की तरफ से हैं तो आपको दरादरी चौक जाने की ज़रूरत नहीं है। पीछे दारू चखना सब चल रहा है। यहाँ पे शराब वगैरह लेके आ सकते हैं आप, चखना मिल जाएगा आपको, मस्त इंजॉय करिए। देखिए ये अपना मटन का पीस, देखिए कैसे हड्डी छोड़ रहा है ये, देख रहे हैं ये देखिए, हाँ पूरा हड्डी छोड़ दिया मटन। तो मटन जो है अच्छे से पका के देते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ थोड़ा मेसी हो जाता है वीडियो बनाने के चक्कर में। ये देखिए चिकन का गोड़ी होता है, ये आपको मिलेगा यहाँ पे चखने के रूप में। तो अगर आप इंजॉय करना चाहते हैं मस्त वातावरण में बैठ करके, शराब वगैरह पीना चाहते हैं तो यहाँ पे आ सकते हैं। कलेजी के साथ खाते हैं यार, मेरे को तो वो सब चीज़। ये देखिए अपना कलेजी हो गया चखना में, सब चीज़ फैंटास्टिक है। देखिए फैंटास्टिक क्यों है, मसाला का जो कॉम्बिनेशन है ना वो बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे शेफ हैं जो वर्कर हैं, उनको पता है कि मसाला यहाँ पे लोग कैसा पसंद करते हैं, थोड़ा तीखा पसंद करते हैं। और लटपट ग्रेवी के साथ अगर आप खाइएगा तो फैन हो जाइएगा। आइए फिर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं पेज को ज़रूर फॉलो करिएगा, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो भाई लाइक करिए वीडियो को और शेयर करिए। थैंक यू सो मच।